अच्छा, आप ये मानते हैं कि गुजरात में एक सेक्शन है मुस्लिम वोटर्स का जो बीजेपी को भी वोट देता है, नरेंद्र मोदी को पसंद देखिए, करता है? 2014 में, 2019 में सीएसडीएस का डेटा ये कहता है कि 6% मुसलमानों का वोट 2014 में मोदी जी को मिला, 2019 में मिला। 31% हिंदू वोट 2014 में मिला और 2019 आते आते 37% हो गया। तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि लोग जो हमको गाली देते हैं, भैया डेटा पढ़ो, अगर तुमको पढ़ना नहीं आता तो जिसको समझ है उससे पढ़वा लो और समझो, वो देखो आप। नहीं, उसी सीएसडीएस लोक नीति का डेटा ये भी कहता है कि 2012 में गुजरात के चुनाव में 20% मुस्लिम वोट मिला था नरेंद्र मोदी को। नहीं नहीं, 20% का मैं नहीं पढ़ा हूं, 6% का जरूर पढ़ा हूं। मगर अगर वोट मिल भी रहा है तो ये कौन सा इंसाफ आप गुजरात की मुसलमानों से कर रहे हैं कि 1984 से एक लास्ट मुसलमान एमपी बना था? ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं कि उनके इलाकों को डेवलप नहीं करते आप? ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में आपने स्कूलों को बंद कर दिया? आपका कानून है कि 100 बच्चे हैं तो बंद नहीं होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए, आपने मर्ज कर दिया। रखियाल की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एग्जाम्पल जो रखियाल एरिया की, आप तो वोट ले रहे हैं मगर कर क्या रहे हैं आप? कहते हैं हमें कोई एक स्कीम बताइए, सेंटर की स्कीम हो, गुजरात की, उनकी किसी राज्य की स्कीम हो जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, जिसका फायदा ये देख के मिलता हो ये हिंदू है कि मुसलमान है कि जैन है कि पारसी। मैंने आरटी एप्लीकेशन डाला है, आपको जानकर हैरत होगी कि कितने मुसलमानों को घर मिला है। कहते हैं जितनी रिप्रेजेंटेशन है उससे ज्यादा दिया। अरे सब झूठ बोलते हैं ना, सब झूठ बोलते हैं। आरटी एप्लीकेशन डाल चुके हैं हम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कितना मिला बता दीजिए, चलिए गुजरात में कितना मिला बता दीजिए, चलिए आप डाल दीजिए बीजेपी की वेबसाइट पर कि इतने मुसलमानों को घर मिला हमने गुजरात में, बता दीजिए, चलिए दे दीजिए डेटा, आप बताइए ना। हम तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रहे हैं, आप नहीं बता पाएंगे भाजपा वाले। नहीं, उनका कहना है कि गुजरात तो इतना डेवलप्ड है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला एक रैली में कि यहां की जितनी बुनियादी जरूरतें थी, घर, पानी, बिजली, सड़क, सब कुछ हम दे चुके हैं ऑलरेडी। हम आने से पहले यहां पर एक भाजपा के जो मिनिस्टर ऑफ होम है जी, हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, वो ये बता दें कि गुजरात में कितने सिटी स्कैन है, 16 सिटी स्कैन है, 5 MRI है, किसके कान में फूल लगा हुआ है? 20 जिलों में सिटी स्कैन है और आपके 28 जिलों में गुजरात के एक भी MRI नहीं है। कितने सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं गुजरात में बताइए? आपने पोस्ट नोटिफाई किए, खुद 14 या 15 काम कर रहे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या कह रहे हैं, उनका डेटा दे रहा हूं, मेरा डेटा नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ा हेल्थ का अच्छा है, बिहार से बदतरीन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर गुजरात में है, ये नीति आयोग का डेटा है। कौन सी बात कर रहे हैं? गुजरात में आपने क्या किया? मोरबी का ब्रिज गिर जाता है, आप पकड़ नहीं सकते और वो कंपनी के मालिक को, कौन सा सवाल पूछा मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं शुरुआती तौर पर पकड़े गए हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि आगे कोई गिरफ्तार नहीं होगा। चुनाव के बाद की जांच आ जाए, चुनाव के बाद होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं में गुजरात में गवर्नमेंट का डेटा है 20.21% है, 20.21% है। यही यहां पर दानी लिमडा एक विधानसभा है, वहां पर पिराना हिल है, 3-3 75 फीट का कचरा जमा हो जाता है वहां पर और जलते रहता है रात में और सुबह में लोगों की आंखें जलती हैं, कुछ नहीं होता वहां पर। हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।